अब हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझना भी बड़ा आसान रहता है, लेकिन विदाउट इंप्लीकेशन के नहीं आएगा, जो कि आपको नहीं आता तो थोड़ा सा इंप्लीकेशन तो रहेगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, सिखाऊंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी पीछा छोड़ती नहीं, एनर्जी कभी पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे आप क्लास 11 में पढ़े चाहे क्लास 12 में पढ़े। अच्छा, क्लास 11 में तो इसलिए पढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है, हाँ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन भूल जाते हैं उसको। लेकिन वो चीज जो क्लास 11 हमने पढ़ी है वो 12th में नहीं भूलना है, मतलब कुछ कुछ चीजें आपको 12th में याद रखनी है, है ना। जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें हर जगह आएगी क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो खैर, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी समझ पाए कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो उसके बाद तो ये समझ में आ ही जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। समझ आ रही बात? तो आइए पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे दिमाग में आता है तो वैसे हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन उठने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कि यह क्या है, यह क्या है। दूसरी चीज, यह कब आता है। तीसरी चीज, कैसे आता है, कैसे आता है। तो पहला चीज आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपका यह होना चाहिए, यह है क्या। पोटेंशियल एनर्जी किस चिड़िया का नाम है, है ना, मार्केट में से क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, कैसे है। दूसरी बात, कब आता है, कि मार्केट में कब आता है आपके। दूसरी चीज कि कैसे आता है। तो 3 चीज, 3 सवाल है ना, 3 सवाल है। तीनों सवाल के अगर आंसर आपको मिल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगा होता है क्या है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। एक टाइप की एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, हीट एनर्जी पढ़ा होगा, और भी हॉट वाटर एनर्जी और पढ़ा होगा, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। कैसे आता है बात करते हैं। दूसरी चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कब आता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आता कब है, है ना। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो चीज है भैया वो आता कब है, है ना। अगर ये समझ गए तो काम हो जाएगा आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी आता कब है, जब कंजर्वेटिव फील्ड हो। जब कौन सा फील्ड हो, कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड हो। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब जहां कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा फील्ड हो, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स हो। जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स का नाम आएगा या फिर कंजर्वेटिव फील्ड का नाम आएगा, जहां भी जैसा, अगर हमारा फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फील्ड हुआ या फिर अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, तो उसके लिए उसके करेस्पॉन्डिंग हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होती है और किसी फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइंड नहीं होती। जैसे आपने नाम सुना हो जाएगा, एग्जांपल बताता हूं आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और उसके लिए हम एनर्जी डिफाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा है, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू माइनस में कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में R। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू मास पार्टिकल ऑफ मास M1 and M2 विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल R, विच इज इक्वल टू यू बराबर माइनस कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R, वेयर कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, कैपिटल जी हुआ, यू बराबर माइनस में कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में
आर स्क्वायर। इसी टाइप को यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल क्यू वन एंड क्यू टू विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल क्यू वन क्यू टू आर डिस्टेंस में सेपरेट रहते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, मतलब ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला होता है और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला होता है दोनों मिलता जुलता लगभग होता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, है ना। बस करना क्या है, बस ग्रेविटेशनल के फॉर्मूले को माइनस के साथ जो जी है उसको हटा के लिख दो और मास की जगह पे क्या लिख दो, चार्ज की वैल्यू लिख दो। तो अगर मास की जगह पे चार्ज की वैल्यू लिख दिया जाए और माइनस कैपिटल जी, माइनस कांस्टेंट कैपिटल जी के जगह पे कैपिटल के लिख दिया जाए जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के बराबर 1/4πε₀ (9×10⁻¹). तो वो पूरा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले में बदल जाता है। ये याद रखने का तरीका है लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो ये बेसिकली हमें ये निकालना है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स हो, ये बात तो समझ में आएगी, कंजर्वेटिव वाइज ऑफ फोर्स हो तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो नहीं डिफाइंड होगा। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। सर आपने कभी सुना ही नहीं होगा फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन के कारण कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी आता है जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक और एग्जाम्पल, स्प्रिंग एनर्जी यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने सुना होगा नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस अगर स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसके अंदर उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ बराबर माइनस के, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी, जो एनर्जी आएगी उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बोला गया। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो उसे पोटेंशियल एनर्जी ना बोला जाता। एक चीज, दूसरी चीज कैसे आता है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते समय बताया गया था, अगर याद नहीं तो फिर सुन ले, है ना। कैसे आता है, जब किसी पार्टिकल या बॉडी पार्टिकल को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट धीरे धीरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है, ये बात। तीन क्वेश्चन मैंने उठाया और तीनों क्वेश्चन मैंने पूरी पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई। पहली बात फिर से रिवाइज करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये एक टाइप की एनर्जी है। एनर्जी तभी आती है जब वर्क होता है, बिना वर्क किए तो एनर्जी आएगी। तो पहली बात तो ये कि वर्क किया जाएगा तब एनर्जी आएगी, तो एक टाइप की एनर्जी है। दूसरी बात ये कब आता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए या फिर कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अभी आगे बाद में बात आएगी कि हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। दूसरी चीज ये कब आता है, देखो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हमेशा पार्टिकल को कहां से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ। वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे लेके जाना है, धीरे धीरे और कंजर्वेटिव फोर्स के विरोध में। विरोध मतलब जिस तरफ कंजर्वेटिव फोर्स उसको धकेलना चाह रहा है या फिर खींचना चाह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट में वर्क करना है, है ना। डू द वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स स्लोली फ्रॉम वन। एक बार अगर मैं ये तुमको ये कहूं, एक चार्ज ये है जिसकी वैल्यू क्यू वन है और एक चार्ज ये है इसकी वैल्यू क्यू टू है, तो ये दोनों क्यू है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। और अगर मैं ये कहूं कि तीन चार्ज स्क्वायर के वर्टिसेस रखे गए हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो ये भी एक सिस्टम बना जिसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। और अगर मैं ये कहूं एक चार्ज चार चार्ज है फोर चार्ज, और वो फोर चार्ज क्या है स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल के हमारे वर्टिसेस पर रखे गए हैं, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल। तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इस टाइप से, और ये क्या बना, सिस्टम ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल बना।
क्लियर है। तो सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, थ्री चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल बना। तो असलियत में अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम ऑफ अगर टू चार्ज पार्टिकल है या फिर ये सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल है या फिर ये सिस्टम ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल है, तो इसे कोई ना कोई तो बना रहा होगा। असलियत में हम ही बना रहे होते हैं। चार चार्ज, तीन चार्ज है अगर ये वर्टिसेस पर रखा हुआ है किसी इसका किसी वर्टिसेस के सॉरी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर वर्टिसेस पर रखा हुआ है, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर अगर रखा हुआ है तो हम ही लाके तो रख रहे हैं। तो हम अगर लाके रख रहे हैं तो मान लेते हैं सबसे पहला चार्ज पार्टिकल है दुनिया में, मान लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है दुनिया में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो पहला चार्ज पार्टिकल अगर आ रहा है जिसका नाम हमने क्या रखा, Q1। अगर जिसका नाम रखा Q1, उसको मैं स्लोली स्लोली लेके आ रहा हूं। स्लोली स्लोली कहने का मतलब ये, या तो ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज कहीं पर बहुत दूर रखा हुआ था तो रेस्ट में था। अगर वो चार्ज रेस्ट में था तो मैं वहां से लाकर किसी पोजीशन पे लाके रख दिया, और हमने मान लिया दुनिया के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल लाया, वो चार्ज पार्टिकल किसी अदर दुनिया से, ऐसा समझना है कि किसी दूसरी दुनिया से चार्ज पार्टिकल उठा के लाया। अपने दुनिया के अंदर अगर मैं चार्ज पार्टिकल रख रहा हूं तो जब मैं उठाया था तो रेस्ट में था, और जब मैं ला के रखा हूं तब भी रेस्ट में हूं, तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ। और अगर कोई वर्क नहीं हुआ तो पहले चार्ज पार्टिकल उठाने में कोई वर्क नहीं हो रहा, फिर उसी दुनिया से दूसरे चार्ज पार्टिकल Q2 को उठा के लाओ। तो जैसे ही Q2 को उठा के लाएंगे तो Q2 को उठा के लाएंगे तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। और अगर रिपल करेगा तब भी मैं जबरदस्ती इस चार्ज पार्टिकल को इसकी दुनिया के अंदर अगर मैं ला के रख रहा हूं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बात को समझ में आ रही, मैंने क्या बोला, मैंने शुरुआत में ये बोला कि मान लो कि दुनिया में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, अगर दुनिया में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है सबसे पहला चार्ज पार्टिकल लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे रिपेल या फिर अट्रैक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम वर्क करें। तो ला के धीरे से रख दिया, उसके बाद मैंने उसी दूसरे दुनिया से दूसरा चार्ज पार्टिकल उठाया, और दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके जब मैं आ रहा हूं तो ये वाला चार्ज पार्टिकल है इसको रिपेल करने के लिए, तो रिपेल करने के लिए ये इसको आने नहीं देगा, लेकिन जबरदस्ती मैं इसको लाकर यहां पर आर डिस्टेंस पर रख दिया। तो आर डिस्टेंस पर अगर मैं रख दिया तो ये Q1 और Q2 का सिस्टम बन गया। तो इसका मतलब जो हमने वर्क किया इस चार्ज पार्टिकल को लाने में, जो हमने वर्क किया दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने में Q1 के फील्ड के अगेंस्ट, वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सोचो देखो, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या कि इन दोनों दो चार्ज के सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को क्या क्या कहा गया, उसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहा जा रहा है। क्योंकि पहले चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई वर्क तो किया नहीं गया, दूसरे चार्ज पार्टिकल लाने में वर्क किया गया। अगर दूसरे चार्ज पार्टिकल लाने में वर्क किया जा रहा है तो इन दोनों चार्ज के सिस्टम को ही तो बना रहे हैं। तो अगर सिस्टम को बना रहे हैं तो सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना वर्क करते हैं हम अगेंस्ट फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी देखो, अगर मैं तीन चार्ज पार्टिकल सिस्टम बनाना चाह रहा हूं तो पहला चार्ज पार्टिकल मान लो Q1 लाया, तो Q1 लाने में तो कोई वर्क किया नहीं जाएगा। तो Q1 को लाने में, पहला चार्ज पार्टिकल अगर Q1 है इसको लाने में कोई वर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन जब दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। मान लेते वो वर्क कितना हो गया, W1 इस चार्ज पार्टिकल को लाने में, इसको मान लिए इसको लाने में W1 वर्क हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है 0, और इसको लाने में वर्क कितना हुआ W2 जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू W2 है 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क होगा क्योंकि ये रिपेल करेगा तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। मान लिया रख दिया किसी भी डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर रख दिया है ना, फिर Q3 चार्ज पार्टिकल लेके आओ। जब Q3 चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो Q3 चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी हम लाकर यहां पे रख रहे हैं जो कि ये R2 डिस्टेंस पे और ये R3 डिस्टेंस पर है, तो इसको लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा अगेंस्ट फील्ड, किसके किसके फील्ड, किसके किसके अगेंस्ट फील्ड, इसके फील्ड के अगेंस्ट और इसके फील्ड के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दिया W3। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क अगर निकालोगे तो टोटल वर्क इज इक्वल लिखोगे W1 प्लस W2 प्लस W3, लेकिन W1 तो 0 था ना बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई W2 प्लस W3, तो यही वर्क जो होगा यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
तो असलियत में मैं वर्ग कह रहा हूं, लेकिन चुपके से ये भी तो कह रहा हूं कि सिस्टम को बनाने में जितना हमें वर्ग करना पड़ेगा उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन बता रहा था तुमको किसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है। इट इज द वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर कहना चाहते हो, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल डेफिनेशन क्या होना, इट इज द वर्क टू असेंबल द सिस्टम इज बेसिकली नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, तो किसी भी सिस्टम को असेंबल करने के लिए, बनाने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितना हमें वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और वो वर्क कैसे करते हैं, अगेंस्ट द फील्ड। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये बातें हो गई, अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमें वो निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल निकालना है, तो अभी अभी हमने सिखाया कि अगर पहला चार्ज पार्टिकल तुम लाओगे दुनिया के अंदर, तो पहले चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई वर्क नहीं किया जाएगा तो मान लेते हैं पहला चार्ज पार्टिकल हमारा कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे, जिसकी वैल्यू कितनी है Q1, और ये हमारा x-axis। और दूसरा चार्ज पार्टिकल कहां पर है, दूसरा चार्ज पार्टिकल आपका इंफिनिटी पर है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनाइट पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, इंफिनाइट मतलब दूसरी दुनिया, इसके फील्ड के पास। इंफिनाइट का मतलब क्या हुआ, क्यों चार्ज के जो फील्ड होगा उसके फील्ड के बाहर, क्योंकि फील्ड के बाहर ना तो अट्रैक्ट कर पाएगा ना तो रिपेल कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दो चार्ज पार्टिकल का, कि दो चार्ज पार्टिकल जब आर डिस्टेंस में सेपरेट होंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से कहां पे लाना होगा, इनफाइनाइट से उठा के हमें लाना पड़ेगा किसी R पोजीशन पर, कितने पोजीशन पर, R पोजीशन पर। तो R पोजीशन पे लाना होगा, तो जो R पोजीशन तक लाने में जितना हमने वर्क किया एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा, जितना वर्क होगा अगेंस्ट द फील्ड, उसी को हम क्या बोलेंगे, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये मैं कब से बता रहा हूं आपको, तो अब वही उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क हमें निकालना है, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर अगर आप देखें तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, वही चार्ज पार्टिकल Q2। तो इस एक्स डिस्टेंस पर ये चार्ज पार्टिकल अगर Q2 है, तो ये इसको क्या, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन में कितना, x2। तो अगर यहां पे आप छोड़ देंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके उसको धकेल देगा ऑपोजिट डायरेक्शन, अंदर आने नहीं देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल को इन्फाइनाइट से अंदर लाया जाए, मतलब इन्फाइनाइट पोजीशन से अंदर लाया जाए, मतलब इस डायरेक्शन में लाया जाए और आर पोजीशन पे लाके रख दिया जाए और दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम बना दिया जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू भी एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ ई के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमें धीरे धीरे वर्क करना है, स्लोली स्लोली, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी न पड़े। तो इनफाइनाइट से आर पोजीशन तक लाने में Q2 चार्ज को हमें धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वर्क तभी हो सकता है जब ये फोर्स इसके बराबर हो जाए, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स अगर इस पार्टिकल पे जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आया जाए, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी उसका बढ़ा नहीं है, तो जो हमने वर्क किया है वो पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर ये वाला फोर्स हमारा जो खींच के ला रहा है अगर ज्यादा होता, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा देता, और अगर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा देता तो हम जो वर्क निकाल रहे होते तो वो उस वर्क में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होता, पोटेंशियल एनर्जी भी होता, और अगर दोनों होता तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते।
लेकिन अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से आर पोजीशन तक, तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आए तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा तो अगेंस्ट में हमने जो वर्क किया है वो वर्क ही किसमें बदल गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, एकदम सीधा सीधा समझ में आता है ना। तो अब ये फोर्स कितना है, इस फोर्स की वैल्यू है के क्यू1 क्यू2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स का डायरेक्शन किधर, राइट साइड। फोर्स का डायरेक्शन किधर, लेफ्ट साइड। तो एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से अगर हम देखें तो एक्स का डायरेक्शन पोजीशन और फोर्स का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स dW इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dx। क्यों सर, क्योंकि एक्स का डायरेक्शन आपका ये है और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस लगेगा बेसिकली, तो मैंने सीधा डॉट लगा दिया। अच्छा छोटा सा वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं सर, आप सीधा वर्क डन निकाले इनफाइनाइट से लेके आर तक। मैं इसलिए छोटा सा वर्क डन निकाल रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट से लेके आर तक। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। अलग अलग एक्सपेक्ट अलग अलग फोर्स होगा, और अलग अलग फोर्स होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, इसलिए छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स एंड दिस इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, cos 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx। दिस इज द छोटा सा वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो छोटा सा वर्क डन आ गया, हमें टोटल वर्क डन चाहिए कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक, आर पोजीशन तक लाने में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्योंकि जब भी हम टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, है ना, यही तरीका है। तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर पोजीशन दिस इज इक्वल टू द, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर पोजीशन, और छोटा सा वर्क डन, और वो छोटा सा वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ के Q1 Q2 बेटा अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इनफाइनाइट से लेके आर, बेटा माइनस लगाना भूल गया, माइनस भी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस के Q1 Q2 के Q1 Q2 भी बाहर हो जाएगा, तो यहां से अच्छे समझ में आता है, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इनफाइनाइट से लेके आर, और 1/x² का इंटीग्रेशन पता ही होगा, कई बार आ चुका है ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में 1/x। तो ध्यान से अगर आप देखें तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में के Q1 Q2 माइनस में कितना हो जाएगा, 1/x इनफाइनाइट से लेके R, माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। W इज इक्वल टू कितना, के Q1 Q2 और अपर लिमिट रखें 1/ कितना हो जाएगा R, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/r। तो जो वर्गडन हुआ आपका, उस वर्गडन की वैल्यू कितनी होगी, वर्गडन कितना करना पड़ा आपको, के Q1 Q2 अपॉन में R, और यही वर्गडन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। तो फिर से मैं बताता हूं क्या हुआ, हुआ ये कि हमें दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, जब दो चार्ज पार्टिकल आर डिस्टेंस सेपरेट होंगे, तो आर डिस्टेंस सेपरेट तो तभी हो सकते हैं कि तभी हो सकता है जब पहला चार्ज पार्टिकल लाया गया होगा फिर दूसरा चार्ज पार्टिकल लाया गया होगा। तो पहला चार्ज पार्टिकल लाने में कोई वर्क तो होगा नहीं, मैंने Q1 को कहां पर रख दिया, ओरिजिन रख दिया। फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से आर पोजीशन लेके आया, जब इनफाइनाइट से आर पोजीशन तक लेके आएंगे तो ये Q1 चार्ज पार्टिकल उसको रिपल करेगा, तो मैंने वही कोई पोजीशन मान लिया कि एक्स पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल अगर है तो ये इसको रिपल करेगा तो इधर के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर ये रिपल कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में वर्क करना है, तभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसको अपोजिट में लगाएंगे तो ये फोर्स हुआ। लेकिन धीरे धीरे अगर वर्क करना है, धीरे धीरे वर्क करना है, स्लोली स्लोली अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करा के लेके आना ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी न बढ़े, अगर एक्स्ट्रा
एनर्जी में बढ़े तो कांस्टेंट वेलोसिटीज अगर चार्ज पार्टिकल लेके आना है तो जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, के क्यू एन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन पोजीशन के जस्ट अपोजिट होगी। पोजीशन के जस्ट अपोजिट होगी तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू एन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये फोर्स जो होगा वो वेरिएबल होगा क्योंकि अलग अलग एक्स पे अलग अलग फोर्स होगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम डायरेक्ट कभी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कभी वर्क डन नहीं निकालते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन लिखते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन लिखा एफ एक्सटर्नल डॉट में डीएस, लेकिन फोर्स और पोजीशन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए माइनस आया कॉस 180 डिग्री के चलते। तो ध्यान से अगर आप देखें डीडब्ल्यू की वैल्यू माइनस के क्यू एन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में डीएक्स हो गया, इसी को हमने क्या लिखा है, इसी को ध्यान से अगर आप देखें तो इनफाइनाइट से आर पोजीशन लेके आया गया है, तो टोटल वर्क डन इनफाइनाइट लेके आर तक इनफाइनाइट लेके आर इसकी वैल्यू उठा के रख दी, उसको इंटीग्रेट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वर्क डन की वैल्यू आगे के क्यू एन क्यू अपॉन आर। अगर ये के क्यू क्यू टू अपॉन आर आ गया तो यही वर्क डन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो यू की वैल्यू कितना, के क्यू एन क्यू टू अपॉन में आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज, पहली बात। स्क्रीन पॉज करके होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल आर डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे तो उनके उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उनके सिस्टम का, वो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसकी वैल्यू कितनी, के क्यू एन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इसकी वैल्यू क्यू वन है, इसकी वैल्यू क्यू टू है, ये सिस्टम जो बना इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यू बराबर के क्यू एन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज, तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होता है इसका, बटा जूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और इसकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर स्केलर क्वांटिटी अगर प्लस में आता है और अगर माइनस में आता है तो माइनस का इंपॉर्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता। अगर स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता, अगर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड में काउंट होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की अगर वैल्यू माइनस में आती है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं होता है। वो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब डायरेक्शन। जैसे मैंने सिंपल सा अगर ये बोला कि अगर मैं बोलूं 10 न्यूटन फोर्स लगा तो इसका मतलब 10 में अगर मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानता हूं तो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा। अगर मैंने बोला माइनस 10 न्यूटन लगा 10 ही न्यूटन लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगा। सिंपल प्लस माइनस का मतलब ये होता है, मतलब किसी पार्टिकल में लगने वाला फोर्स हमें पहले से पता था कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और माइनस एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन लिया जाता है। तो अगर मैंने बोला कि प्लस 10 न्यूटन फोर्स लगा तो आदमी पहले ही समझ गया कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लगा 10 न्यूटन। अगर मैंने बोला माइनस 10 न्यूटन फोर्स लगा तो आदमी समझ गया अच्छा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लगा और लगा कितना 10 न्यूटन। मतलब कि पहली बार में भी 10 न्यूटन, दूसरी बार में भी 10 न्यूटन, बस फर्क किसका था, फर्क डायरेक्शन का था। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी का तो पहली बार तो डायरेक्शन होता नहीं, अगर स्केलर क्वांटिटी में प्लस माइनस आ रहा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड में वो काउंट होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड में काउंट होगा इसका मतलब ये कि इस फॉर्मूले में चार्ज का साइन भी रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले जब मैं सिखा रहा था दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ बराबर के क्यू एन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो उसमें चार्ज का साइन रखना नहीं था। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो हम पहले ऐसे ही जज करते थे। अगर डायरेक्शन में ऐसे ही जज कर लेते थे कि अगर दो प्लस है तो दोनों रिपल करेंगे, दो माइनस है तो दोनों रिपल करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और तो जो एफ बराबर के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर था ये मैग्नीट्यूड फॉर्म था, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते थे। तो ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू भी इतनी होती थी, चाहे प्लस के कारण होती थी चाहे माइनस के कारण होती थी। तो उसका डायरेक्शन कैसे जज करते थे, उसका डायरेक्शन हम प्लस और माइनस से जज करते थे, है ना। तो वहां पर प्लस माइनस चार्ज का साइन नहीं रखा जाता था, तो फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज का साइन नहीं रखना था, मैग्नीट्यूड फॉर्म था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसमें भी चार्ज का साइन नहीं रखना था क्योंकि वो मैग्नीट्यूड फॉर्म था,
है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन रखना है, क्योंकि यहां पर अगर चार्ज प्लस होगा तो उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, माइनस होगा तब भी उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि अगर दोनों प्लस हुआ तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया, लेकिन अगर प्लस माइनस हुआ तो यहां पे एक माइनस आएगा, अगर माइनस आएगा तो उसका इंपॉर्टेंस होगा। खैर तो मुझे ये सिखाना था कि यू बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर में आर स्क्वायर नहीं सॉरी 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 यू बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर में हमारा क्या होगा, चार्ज का साइन रखा जाएगा। जैसे मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल ये Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये आपका Q2 है, माइनस Q2 है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी U बराबर माइनस में K Q1 Q2 अपॉन में R। अगर दोनों माइनस हुआ तो, दोनों माइनस हुआ तो K माइनस Q1 माइनस Q2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोबारा वापस कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन में हो गया। एक चीज कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है कहां, तो मैं सीधा डायरेक्ट बताता हूं आपको कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों चार्जों के बीच में होती है, यहां पर ये है इसके, ये है इसके। मुझे लगेगा तो मैं फील कराऊंगा कि कैसे इसी के बीच में ही होती है। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, एक चार्ज पार्टिकल का भी पोटेंशियल एनर्जी है। पहली बात, एक बॉडी का या एक पार्टिकल का या एक चार्ज पार्टिकल का या एक चीज का कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम, आइदर इट इज टू सिस्टम, टू चार्ज पार्टिकल का सिस्टम हुआ या फिर थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम हुआ या उससे ज्यादा मोर देन टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम हुआ, लेकिन सिस्टम का हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगा, किसी एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, है ना। तो ये दो चार्ज पार्टिकल है तो इनके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होगा, क्लियर है। और ये भी होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें साइन के साथ इसकी वैल्यू रखी जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि थ्री चार्ज पार्टिकल, थ्री इक्वल चार्ज पार्टिकल, तीन चार्ज पार्टिकल है, इक्वल चार्ज पार्टिकल है Q, 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 आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ दिस साइड ए। ये ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सिचुएटेड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। बात रही है, देन फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है ना, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकाले, मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व कर लेंगे तभी आंसर देखेंगे, क्लियर है। ऐसे ही करें है ना, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको ज्यादा क्लिक करेगा, नहीं तो मैं सब कुछ मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है मैं सब कुछ डायरेक्ट बता दूंगा, मुझे तो जल्दी जल्दी बनाना है, तो अगर मैं सब कुछ ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा और आप देखते रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, तो कुछ चीजें आप खुद सोचा किया करिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहली एनर्जी इनके इनके बीच में होगी, मैंने क्या बोला, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी साइड ए, दूसरी एनर्जी इनके इनके बीच में होगी, जितने पेयर बनेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा साइड ए, तीसरी एनर्जी इनके इनके बीच में होगी साइड ए, और कोई ऑप्शन नहीं मिला। मतलब कितनी बार लिखना पड़ेगा एनर्जी हमको, तीन बार, मतलब आपको पेयर ढूंढना है, किन दो चार्ज के बीच में पेयर बन रहा है, गैप ढूंढना है, तो गैप अगर मिला इसका मतलब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा, गैप नहीं मिला तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू इनके और इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q Q by A, और इनके इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, K Q Q by A। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी के स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, वेक्टोरली इसे जोड़ना नहीं, इनके इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा तो प्लस करके K Q Q by A कितना बन गया, ये दिस इज इक्वल टू थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि फोर इक्वल चार्ज पार्टिकल आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, मतलब एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस पर चार चार्ज पार्टिकल रखा गया है क्यू 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 क्यू, साइड क्या है ए। क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। स्क्रीन पॉज करके उतारिए और सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने पेयर्स बढ़े हैं बेटा? चार, चार देखते हैं। एक ये बना। देखिए क्या सभी दो चार्जों के बीच का सेपरेशन ए है, तो सभी में पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? सेम आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो उसको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, U इज इक्वल टू एक का पोटेंशियल एनर्जी लिखा, एक पेयर का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इनके इनके बीच का चार से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वैसा का वैसा ही चार पेयर बना, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अभी और है, फोर नहीं सिक्स होगा, इनके इनके बीच में भी गैप है, ये भी तो पेयर बनेगा, इनके इनके बीच में भी गैप है, ये भी पेयर बनेगा। तो क्या यहां सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे? तो आंसर है नहीं, सिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इनके बीच का सेपरेशन क्या है, अलग हो गया। ये सेपरेशन कितना होगा विद्यार्थियों? तो पाइथागोरस थ्योरम ए रूट टू, ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये ए रूट टू बनेगा और ये भी क्या बनेगा, ए रूट टू। तो ये जो पेयर्स है और ये वाला जो दो पेयर्स है, तो ये दोनों पेयर्स एक जैसे ही है, तो एक का लिख के दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस करके के क्यू स्क्वायर बाई में ए रूट टू इंटू कितना करना है, टू का, क्योंकि दो पेयर्स हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी टाइप से आप पेंटागॉन पे रख के निकाल सकते हैं, हेक्सागॉन पे रख के निकाल सकते हैं, मतलब जितना टफ करना होता है टफ करते चले जाओ। आप क्या कर सकते हो, क्यूब के वर्टिसेस पे कोने पे रख के आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो सिस्टम का। तो टफ जितना टफ बनाना चाहो उतना बनता चला जाएगा। ये चारों आठों कोने पे रख दो चार्ज को, इक्वल चार्ज ले लो और साइड ए ले लो, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना स्टार्ट कर दो, तो ढेर सारे पेयर्स बनेंगे, ढेर सारे पेयर्स बनेंगे, करते रहना है ना। तो इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन कभी पूछता नहीं आता, पूछेगा कभी इंटर में, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं एक नई टाइप का क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन आपका ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये साइड आपका आर है और ये भी साइड आर है, एक चार्ज यहां रखा गया जिसकी वैल्यू है क्यू, एक चार्ज यहां रखा गया जिसकी वैल्यू है क्यू, है ना। ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, सिचुएटेड एट बी सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। समझ आया क्वेश्चन क्या है? एक एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग दिया हुआ है ए बी सी, इसके दो कोने पर दो वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है आर, ये हमारा साइड आर है, ये भी साइड आर है। क्वेश्चन यह है कि इस तीसरे कोने बी पर कितने अमाउंट का चार्ज रख दिया जाए ताकि हमारे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल जी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए।
तो वही क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट बी सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। लगाएं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बताऊं कैसे सोचना है इसको, इस क्वेश्चन को सोचना कैसे, सोचने का तरीका। सबसे पहली बात ना, जब भी क्वेश्चन में कुछ कहे पहले मान लो फिर आंसर जान लो, ये तरीका है। तो जब भी क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मान लो तो इसकी वैल्यू इतनी है, जैसे ही मानोगे और जो क्वेश्चन में कह रहा है कर दो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीसरे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई साहब मैं मान लिया कि तीसरे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है कैपिटल क्यू, रख दिया ताकि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो अगर तीसरे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू अगर कैपिटल क्यू है, अगर तुम रखोगे यहां पर, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल जीरो हो जानी चाहिए। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, जीरो दिखा दो, आंसर आ गया। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये आर है, ये आर है, ये कितना बना तुम्हारे पास आर रूट टू। तो एक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर तुम लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर, प्लस करके अगर तुम लिखोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, उतनी ही आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर, फिर प्लस करके इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्मॉल क्यू अपॉन में कितना आर रूट टू। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये पूरी जीरो होनी चाहिए कह रहा है क्वेश्चन। अगर ये पूरी जीरो हो जाएगी तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है, निकल गई देखो यहां से, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, टू कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में कितना बना आर, प्लस कैपिटल के क्यू स्क्वायर आर रूट टू बराबर कितना हो गया जीरो। अब इसको इधर उधर करके सॉल्व कर दो यार, क्या बताऊं समय में, टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस में के क्यू स्क्वायर बाई आर रूट टू। आर ने आर को मार दिया, के ने के को मार दिया, एक स्मॉल क्यू को मार दिया, तो इसकी कैपिटल क्यू की वैल्यू बनी तुम्हारे पास माइनस में क्यू बाई टू रूट टू, निगेटिव होगा। यहां क्या तीसरा चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, निगेटिव होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा तो जीरो कैसे होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही प्लस है, ये भी पहले से ही प्लस है। अगर दोनों प्लस है, अगर तीसरा चार्ज पार्टिकल भी प्लस होता तो पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस में आ जाता, कभी जीरो आता ही नहीं। इनका इनका पोटेंशियल एनर्जी होता कुछ, इनका इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता, इनका इनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता, और सभी प्लस में होते हैं, तीनों जुड़ जाते हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कभी जीरो आता ही नहीं। इसका मतलब ये एक लॉजिक और था कि अगर प्लस है ये प्लस है, तीसरा पक्का माइनस होना चाहिए ताकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस उसका नेचर कैपिटल स्मॉल क्यू अपॉन में टू रूट टू, इतनी उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहां तक ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क आप करेंगे है ना, उसके बाद अगली क्लास में हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ मिलेंगे। आप पोटेंशियल पढ़ के रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले से पढ़ के रखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा है ना। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, क्वेश्चन आपका ये है कि थ्री चार्ज पार्टिकल तीनों प्लस है, स्मॉल क्यू इनकी ये साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं, और क्वेश्चन कह रहा है ये कि इफ वी रिलीज्ड द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर आप सिस्टम को छोड़ेंगे सोचिए क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, रख के छोड़ेंगे, ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगा, उसके कारण इधर लगा, अल्टीमेटली नेट फोर्स इधर लगा,
तो ये चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा, इधर। ये वाली किधर भागी उसी तरीके से, इधर। ये वाली किधर भागी उसी तरीके से, ऊपर। तो ध्यान से आप देखें तो कुछ देर बाद ये भाई साहब यहां पहुंचेंगे, ये यहां पहुंचेंगे, इस टाइप से कुछ बनेगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी था ना, और ये ट्रायंगल क्या बन गया, ए डैश बी डैश सी डैश किसी टाइम टी पर। ये टी बराबर जीरो की सिचुएशन थी जब छोड़ा गया था, और किसी टाइम टी पर सिचुएशन थी, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से जब छोड़ा गया था, तो इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, क्योंकि जस्ट छोड़ा गया है, रख के तीनों चार्ज पार्टिकल को रख के जस्ट छोड़ा गया, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल किसी टाइम टी पर यहां पहुंचा होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रफ्तार होगा वी, इसकी रफ्तार कितनी होगी वी, इसकी रफ्तार कितनी होगी वी, तीनों की रफ्तार हमने क्या मान ली वी। कैसे सर, आपको कैसे पता तीनों की रफ्तार वी होगी, क्योंकि हमने माना है तीनों का मास क्या होगा सेम, क्योंकि मास अलग अलग मान लेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। तीनों का मास सेम मानना है, तीनों का चार्ज सेम मानना है, है ना। और तीनों चार्ज पार्टिकल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टिसेस पर रखे गए। तो क्वेश्चन ये आपका ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ वी, फाइंड वैल्यू ऑफ वी व्हेन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, टू चार्जेस बिकम, या ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन चार्जेस फॉर्म द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड टू ए। मतलब